हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। देखिए, अगर इस चैप्टर का बेसिक अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, जो मेरी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, तो उसको आपको ज़रूर देख लेना चाहिए एक बारी, ताकि आपको बेसिक इस चैप्टर का बिल्कुल क्लियर हो जाए। लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको बेसिक आता है तो भाई शुरू कर रहे हैं चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें चेक करना है स्टेटमेंट ये ट्रू है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले लेट द गिवन स्टेटमेंट, आपको जो भी स्टेटमेंट दी हुई है आपने उसको क्या मानना है, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी, इसको पी एन मान लो। तो मैंने इसको पी एन मान लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 1.2, 2.3, 3.4 चलता रहेगा, और ये एन एन प्लस वन, और ये हो जाएगा हमारा एन एन प्लस वन एन प्लस टू बाय थ्री। सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, वन पर। तो लिखेंगे फॉर एन इक्वल्स टू वन, तो पहली टर्म ये है 1.2, और उधर वन पुट करूँगा तो ये हो जाएगा वन, वन प्लस वन हो जाएगा टू, वन प्लस टू हो जाएगा थ्री। जहाँ पर एन है वहाँ पर वन लगा दिया, है ना। तो 1 2 2 हो गया, 3 से 3 कट के ये भी 2 1 2 हो गया, तो स्टेटमेंट ट्रू हो गई। लिखेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन, दैट इज पी वन इज ट्रू। पी वन ट्रू हो गया, है ना। उसके बाद हम चेक करेंगे, मान के चलेंगे, लेट अस अज्यूम दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के लिए मैंने ट्रू मान ली, तो ये हो जाएगा पी के। तो जहाँ जहाँ पर एन लिखा हुआ है, अब जहाँ जहाँ पर एन लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पर आपको के मानना है। तो 1.2, 2.3 ये तो सेम चलेगा, 1.2, 2.3 सेम चलेगा, और यहाँ पर एन है तो मानेंगे के के प्लस वन, तो ये हो जाएगा हमारा के के प्लस वन इक्वल्स टू में, ये हो जाएगा हमारा के के प्लस वन के प्लस टू, के के प्लस वन के प्लस टू अपॉन में थी। तो मान के चलेंगे भाई ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, क्योंकि इसका हमें आगे क्या करना है, इसका यूज़ करना है आगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर के पर ट्रू होगा तभी के प्लस वन पर ट्रू होगा। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, वी शेल नाउ प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ट्रू। अब हमें प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट पी के प्लस वन पर ट्रू होगी। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ पर एन है वहां वहां पर क्या लगाना है, के प्लस वन। तो पहले वही 1.2 और 2.3 तो सेम ही चलेगा। अब देखो यहां पर एन है तो ये लगा के प्लस वन, और यहां पर भी एन है तो के प्लस वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा हमारा के प्लस वन, और ये हो जाएगा के प्लस वन प्लस वन इक्वल्स टू में। यहां पर है एन की जगह के प्लस वन, फिर के प्लस वन प्लस वन के प्लस वन प्लस टू, तो ये हो जाएगा हमारा के प्लस वन, फिर के प्लस वन प्लस वन, और के प्लस वन प्लस टू, और नीचे क्या चल रहा है, 3। तो इसको फिर से आगे कॉपी कर देते हैं, 1.2, 2.3 सेम चलेगा, 1.2, 2.3 सेम चलेगा, डैश 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 डैश, ये हो जाएगा हमारा के प्लस वन, ये के प्लस टू, ये हो जाएगा हमारा के प्लस वन, और ये हो जाएगा हमारा के प्लस टू, और आगे हो जाएगा के प्लस वन के प्लस टू और के प्लस थ्री। तो ये हो जाएगा के प्लस वन के प्लस टू और के प्लस थ्री, डिनोमिनेटर में 3 चल रहा है। अब मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, अगर ये दोनों इक्वल हो गए के की हेल्प ले करके, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है मुझे के की हेल्प ले करके। तो मैंने क्या बताया था आपको, इसकी प्रीवियस टर्म लिखनी होती है, इसकी जो प्रीवियस टर्म होगी ना वो के की आखिरी टर्म होती है। के की आखिरी टर्म क्या है, के के प्लस वन, तो इसकी जो प्रीवियस टर्म है वो क्या होगी, के के प्लस वन, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की वैल्यू के से निकालेंगे, यही होता है के का यूज़। तो इस पूरे की वैल्यू जो है वो ये है, तो यहाँ पर पुट कर दिया के के प्लस वन के प्लस टू अपॉन में 3, और प्लस में ये तो चल ही रहा है। अगर इन दोनों को सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके ये बना दिया तो खेल ख़त्म, ठीक है ना। सबसे पहले आप कॉमन पकड़ो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है के प्लस वन के प्लस टू, और यहाँ पर क्या बचा, के बाय थ्री प्लस वन बाय वन,
एलसीएम ले लो, के प्लस वन के प्लस टू, और इसका एलसीएम क्या होगा, तीन। तो ये हो जाएगा के, एक के टेबल में तीन आता है तीन पर, तो तीन। तो फाइनल रिजल्ट आ गया के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री अपॉन में थ्री। देखो यही तो लाना था हमको, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो लिखेंगे लास्ट में, दस पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। तो ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा हलवा क्वेश्चन था, है ना, बहुत सिंपल था ये तो। तो लिखेंगे फ्रॉम पी एम आई स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए हम डिक्लेयर करेंगे कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन। ठीक है भाई, अगले पे चलते हैं, सेवन पे। अब क्वेश्चन नंबर सेवन में बोल रहा है अब इस स्टेटमेंट को हमें ट्रू करना है, तो करना वैसे ही है, लेट गिवन स्टेटमेंट, मैंने मान लिया जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, इसको पी एन मान लिया। तो पहले लिख देंगे पी एन 1.3, 3.5, 5.7 चलता रहेगा, और ये हो जाएगा 2n-1, 2n+1 इक्वल्स टू में एन, 4n² प्लस 6n-1 अपॉन में 3। अब वन पुट करेंगे, पुट फॉर एन इक्वल्स टू वन, तो पी वन इसकी पहली टर्म क्या है 1.3, और वहाँ पर एन की जगह वन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 4 1 का स्क्वायर प्लस 6 into 1 minus 1 अपॉन में 3। 1 3 जो 3 हो गया, ये 1 है, और ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जो 4, 6 1 जो 6, माइनस 1 अपॉन में 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3, 6 और 4 10 में से एक गए 9 अपॉन में 3, 3 के टेबल में 9 आता है 3 पर। तो भाई लिखेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन, दैट इज पी वन तो भैया हो चला ट्रू। अब क्या करेंगे, अज्यूम करके चलेंगे स्टेटमेंट ट्रू होगी एन इक्वल्स टू के लिए। लेट अस अज्यूम दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के लिए, मैंने मान लिया स्टेटमेंट ट्रू होगी। यहाँ पर के क्या है, के है कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हो या नेचुरल नंबर ले सकते हो, 8 10 वगैरह वगैरह जो भी। तो अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर एन है वहाँ वहाँ पर के लिखा जाएगा। तो 1.3 3.5 ये तो सेम चलेगा, 1.3 3.5 सेम चलेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k-1 2k+1 2k-1 2k+1 इक्वल्स टू में ये हो जाएगा हमारा के 4k² 6k-1 के 4k² प्लस 6k-1, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। तो ये हो गया के लिए, मान के चलेंगे कि स्टेटमेंट क्या है, के लिए ये ट्रू है क्योंकि इसका यूज होगा आगे। फिर क्या करेंगे, वी शेल नाउ प्रूव दैट, अब हमें बस के प्लस वन पे ट्रू करना है। वी शेल नाउ प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ट्रू, अब हमें प्रूव करना है कि पी के प्लस वन ट्रू होगा बस, ठीक है ना। तो भाई अब क्या करेंगे, जहां जहां पर एन लिखा है वहां वहां पर लिखा जाएगा के प्लस वन। तो पहले 1.3 और 3.5 ये सेम चलेगा, डेडा डैश, देखो यहाँ पे n की जगह पे k प्लस वन, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में k+1 -1, पहले लिखेंगे 2 ब्रैकेट में k+1 -1, फिर ब्रैकेट 2 ब्रैकेट में k+1 +1 2 ब्रैकेट में k+1 +1 इक्वल्स टू में यहाँ पर k+1, और फिर क्या हो जाएगा 4 ब्रैकेट में k+1 का स्क्वायर प्लस 6 ब्रैकेट में k+1 -1 6 ब्रैकेट में k+1 -1 अपॉन में 3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो पी के प्लस वन ये क्या हो जाएगा, 1.3 3.5 ये हो जाएगा 2k+2 -1, तो क्या बना 2k+1, ये हो गया 2k+2 +1,
तो क्या बना, 2k+3 इक्वल्स टू में k+1 तो चल ही रहा है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें k+1 का स्क्वायर। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल, बाद में खोलेंगे इसको ज़रूरत पड़ेगी तो। 6k+1 -1/3। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को इक्वल बनाना है ना। तो इसके लिए मुझे इसकी प्रीवियस टर्म लिखनी पड़ेगी। इसकी प्रीवियस टर्म क्या होती है, k की आखिरी टर्म है 2k-1 2k+1। तो इसकी प्रीवियस टर्म होगी 2k-1 2k+1। तो यहाँ तक का आंसर k को यूज़ करेंगे, यहाँ तक का जो आंसर है वो मेरा ये है k 4k² + 6k-1। तो ये इसका आंसर आ गया k 4k² + 6k-1/3, और प्लस में जो ये चल रहा है वो टीप दो 2k+1 2k+3। अब इन दोनों को सॉल्व करके ये बनाना है, ठीक है भाई। अगर इन दोनों को सॉल्व करके ये बना दिया तो खेल खत्म। तो पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ रहा है 3। के को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4k³ 6k² - k, और प्लस एक को 3 से करूँगा 3 3, इसके साथ आ जाएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2k 2k हो गया 4k², 2k³ हो गया 6k, 1 और 2k हो गया 2k, 1 3 हो गया 3, फिर 4k³ as it is 6k² as it is - k as it is। तो ये हो जाएगा 4k² 6 और 2 8k+3/3 चल रहा है। तो 4k³ सेम 6k² सेम - k सेम, 3 4 12k² 3 और 8 24k, 3 और 3 9/3। फिर 4k³ सेम 12 और 6 18k² 24 और 1 23k बचा +9/3। देखो भाई मेरा आया ये लाना है ये, तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर अभी LHS RHS इक्वल नहीं आ रहा, मेरा LHS ये बना। अब मैं क्या करूँगा इस केस में, RHS को सॉल्व करके इसके इक्वल लाऊंगा, क्योंकि मुझे LHS RHS तो इक्वल प्रूफ करना ही करना है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, RHS को पकड़ते हैं, RHS लिखते हैं यहाँ पर। RHS क्या है, k+1 लिखा मैंने, k+1। देखो भाई यहाँ पर सीधा मैं k+1 का स्क्वायर खोल रहा हूँ, क्या फॉर्मूला होगा k+1 का स्क्वायर का, k² + 2k+1, फिर प्लस, और ये क्या हो जाएगा 6k+6 और माइनस का 1 तो है ही, और अपॉन में 3 लिख दो। अब इसको सॉल्व करके अगर ये बन गया तो LHS RHS क्या हो जाएगा, इक्वल, और वही हमें करना होता है ना। फिर k+1 सेम यहाँ पर, और ये हो जाएगा 4k² 8k + 4 + 6k, और ये 6 में से एक गया 5/3। फिर k+1 और ये 4k², ये हो जाएगा 8 और 6 14k, 5 और 4 9/3। इसको सॉल्व करना है, k+1 4k² 14k + 9, पीछे लिख लेते हैं इसको, k+1 4k² 14k + 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले के को तीनों से, के को 4k² से करा 4k³, के को 14k से करा 14k², के को 9 से करा 9k, 1 को 4k² से करा 4k², 1 को 14k से करा 14k, 1 को 9 से करा 9/3। तो 4k³ सेम 14 और 4 18k² 14 और 9 23k + 9/3। देखो यही तो लाना था LHS, यही तो था, 4k³ 18k² 23k 9/3, 4k³ 18k² 23k + 9/3, तो प्रूव हो गया। तो लास्ट क्या लिखते हैं, 10 pk+1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू। तो जब कभी भी pk+1 जब ट्रू होगा, pk ट्रू है, क्योंकि इसलिए pk+1 क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे फ्रॉम PMI स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर।
अंग्रेजी बहुत है इसके अंदर यार, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहे, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।